तो गाइज आज हम अभी यहाँ पर देखो जलंधर के ना साउथ सिटी खड़े, आप देख सकते हो। तो अभी साउथ सिटी में खड़े हैं, तो आज हम दरअसल अपनी बाइक का रिव्यू करने आए हैं। तो आपको पहले बताते हैं अच्छा कौन सी बाइक है, तो आप देख सकते हो। तो हम R15 वर्जन 3 अपनी का रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको पहले बताता हूँ, अच्छा देखो जब से मैंने बाइक लिया ना तब से अभी तक हमने कोई इसका रिव्यू वीडियो नहीं बनाया ऐसा अपना। तो ठीक है, पहले इसका आपको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जो अभी मैंने एक्रा पोविक अपना इंस्टॉल किया है ना, आपको इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की। तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था जो कि कंपनी की तरफ से आता है, और वो मतलब काफ़ी अच्छा था, उसकी कोई साउंड नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ करता था। तो देखो अब ये लगाने के बाद साउंड तो देखो बढ़ी है, क्योंकि इसको मैंने इंस्टॉल ही साउंड बढ़ाने के लिए इंस्टॉल किया था। तो ये फुल सिस्टम है, स्लिप ऑन नहीं हमने लगाया। और बाइक की अगर माइलेज की बात करें तो वही कुछ 45 या 50 प्लस कैम्पिल ऑन हाईवे हमें मिल जाती है देखने के लिए। और लुक्स वगैरह तो यार आप देख ही सकते हो। तो वही लुक्स में तो देखो ये हमारी जो पुरानी हमारी KTM RC 200 थी हमारे पास, उससे तो भाई देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं कि मार खा रही है लुक्स में। तो लुक्स वाइज भी अच्छी है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने काम भी करवाया, जैसे कि ये LED वाले इंडिकेटर्स इंस्टॉल करवा दिए, ये स्टिक्स थी जो मैंने इंस्टॉल करवा दी थी, और ये अगला विंगलेट लगवा दिया था इसके अंदर, और ये बबल वाइजर जो कि ब्लैक पूरा इंस्टॉल्ड है, और उसके अलावा ये एंड बार्स लगे जो कि हम निकाल देंगे जल्दी। तो इसके रीज़न के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हमने निकाल देने हैं बाद में। और टेल सेक्शन पे देखो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये एग्जॉस्ट है जो मॉडिफाइड है, उसके अलावा पूरी बाइक स्टॉक है। तो ठीक है, अच्छा अभी आपको सबसे पहले इसके एंड बार्स को निकालने का मैं बता देता हूँ कि रीज़न क्या है जो मैं ये एंड बार निकालने वाला हूँ। तो थोड़ा सा क्लोज आके आप देख सकते हो कि जो ये हमारा एंड बार है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे इस लीवर के साथ देखो टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा दूर है। बट अगर आप ये वाला क्लच देखोगे ना तो ये बिल्कुल इसका टच कर रहा है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये और ज़्यादा आगे जाना चाहिए लीवर, बट ये इसके करके ना कई बार फंस जाता है। तो दैट्स इट, इसके करके जब मैं इसको निकाल दूंगा, बिकॉज अगर ये थोड़ा सा भी अगर इंगेज रहेगा ना साथ में तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, बाइक में क्रिएट करता है। देखो इंजन में क्लच प्लेट्स जाएंगी या तो बर्न ज़्यादा हो जाएंगी, तो देखो कोई ना कोई तो छोटा मोटा इशू आना ही आना है। बट ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इंस्टॉल करवाया था थोड़ा अपना, ठीक है लुक्स के करके, बट नहीं हुआ। तो उसके बाद देखो बबल वाइजर था, ये भी हमें कोई मतलब ऐसा इशू नहीं प्रोवाइड करा। तो और एडवांटेजेस देखो बता दी कि इसकी माइलेज लुक्स हर एक चीज़ में ये बिल्कुल A1 है। तो इसके बाद बात करते हैं अब इसके अंदर एग्जॉस्ट के बारे में, जो कि हमने ओरिजिनल कंपनी का स्टॉक निकाल के हमने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इस टाइम इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखो जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट यानी कि पीछे कंपनी जो देती होती थी अपना यामाहा का, उसकी तरफ बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट थी, और इससे हमने आवाज़ बढ़ा ली। तो आवाज़ इसकी अभी आपने सुन तो ली ही है कि कैसी एग्जॉस्ट अभी आवाज़ कर रहा है। तो आवाज़ देखो काफ़ी अच्छी एग्जॉस्ट कर रहा है अभी इस टाइम पे, मतलब अगर इसको कहीं से भी लेके निकलो ना तो रिएक्शन तो आपको पूरे मिलेंगे। बट मैं ये एग्जॉस्ट को ना निकाल देने वाला, तो आपको मैं सीधी सी बात बताऊँ, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, उसको शायद मुझे अपलोड किए हुए 6 to 7 days हो रहे हैं, बट इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले इंस्टॉल किया है, और मैं थोड़ा चलाया भी इसको, तो बट उसके बाद मैं अभी इसको निकाल देने वाला हूँ। मैं आपको वो भी रीजंस बताता हूँ कि सबसे पहली बात देखो ये इलीगल है भाई, साउंड इतनी प्रोड्यूस कर रहा है ना ये, वो इलीगल ही है। और इससे अगर आपको किसी ने भी पुलिस वाले ने अगर रोक लिया ना तो भाई आपका चलाना ना पक्का। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि अगर आप कभी राइड करो, ठीक है मैं हमेशा ही मतलब हेलमेट पा के राइड करूँगा, ग्लव्स पाए होंगे, पैरों मेरे शूज़ होंगे, और अगर मैं स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ हूँ तो भाई देखो वो पुलिस वाले के पास कोई ऐसा राइट नहीं कि वो मेरा कोई भी मतलब इमीडिएटली चलान काट सकता है, ठीक है। बट अगर मैंने एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया हुआ है, अगर मेरी बाइक में अगर एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, और मैं अगर फुल मतलब गियर्ड अप भी हूँ, बट फिर भी वो मुझे इसके करके चलान काटेगा ही काटेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल ही है यार, आपने लॉ ब्रेक किया हुआ है, जो कि 80 to 90 डेसिबल के अबव नहीं जानी चाहिए आवाज़। बट ये कुछ नियर अबाउट 150 के अबव इस टाइम डेसिबल है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए देखो इलीगल है। और इसको लगाने का ना सिर्फ बताऊँ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि जहाँ पर आप इसकी सर्विस को 3000 से 5000 किलोमीटर चलाने के बाद आप सर्विस करवाते हो ना एग्जॉस्ट लगाने के बाद, वो आपको मेरे ख्याल से हार्डली
2500 के बाद या 3000 के बाद आपको करवानी ही पड़ेगी सर्विस, तो मतलब वो आपको करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो इंजन इफेक्ट करेगा या आपका इंजन ऑयल आ जाओ वो उसका लेवल कम हो जाएगा, आपको टॉप अप करवाना ही पड़ेगा। और इसके अंदर जो यहाँ पर इसके एयर फिल्टर होता है, वो जो एयर फिल्टर है ना वो भी इसके अंदर ऐसा सीन है कि देखो अगर वो एयर फ्लो अगर ज़्यादा हो गया ना अगर एग्जॉस्ट के साथ, उसको एयर इनटेक भी ज़्यादा चाहिए, बट वो एयर इनटेक चलो ठीक है इतना मायने नहीं रखता, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजन में इफेक्ट करता ही है उस चीज़ को लेके। और उसके बाद आ जाता है अपनी बाइक के अंदर वाइब्रेशंस, कि देखो जब तक स्टॉक एग्जॉस्ट था इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी लाउड, तो ये इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह इसके अंदर नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है वाइब्रेट नहीं करती थी गाड़ी। बट अब जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना, तब से मुझे बाइक के अंदर कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा ना मतलब वाइब्रेशंस फील हुई हैं, कि मतलब जो वाइब्रेशन पहले बिल्कुल माइनर सी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बढ़ रही है अभी आस्ते आस्ते आप ये कह सकते हो। तो देखो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है यार एग्जॉस्ट लगाने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप राइड कर रहे हो ठीक है, अब मतलब आप एक राइड करते हो कि आपका थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश हो जाए, या आप थोड़ा सा मतलब लाइक बाहर आप जाते हो थोड़ा सा कि हाँ चल राइड करके आते हो, थोड़ा मन अच्छा हो जाता है आपका, थोड़ा आप फ्रेश हो जाते हो ऐसा है ना। बट अगर आप एग्जॉस्ट के साथ जा रहे हो ना, तो आपको पहली बात तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने गियर्ड अप है बिल्कुल आप है ना, बट फिर भी आपको पुलिस से ना थोड़ा सा देखो बच के ही जाना पड़ेगा कि भाई एग्जॉस्ट इंस्टॉल है ऐसा ऐसा ठीक है। आप एक देखो रिएक्शंस के लिए ना अगर हमने एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर लिया है, तो देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह पहले तो आपका इंजन हार्म कर रहा है, बाइक हार्म कर रही है ठीक है। सेकेंड आपको डर डर के बाइक चलानी पड़ेगी, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा बाहर जाना है, यानी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, या जैसे भी लोकली मैं जलंधर में रह रहा हूँ ठीक है, अगर मुझे जलंधर के थोड़ा बाहर जाना है, मेन जलंधर सिटी में जाना है, मुझे बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है कि यार मैं अपनी बाइक लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, कि ऐसा ना हो गया चेक पोस्ट लगाओ कहीं नाका लगाओ, तो भाई इसलिए यार देखो ऐसे डर डर के भी नहीं चलाना। और बाइक्स के अंदर देखो कुछ पहली बात तो यार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीधी सी बात है उसके करके हमें इसको मतलब निकाल देने वाले अब। और स्टॉक भी सही रहता है ठीक है बाइक को, ऐसा भी नहीं है कि अगर अब मेन है आपने एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है तभी आपको रिएक्शन मिलते हैं, मेरे को वैसे भी स्टॉक एग्जॉस्ट में मैं जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे हमें आया कि मतलब रिएक्शन देखने को मिलते हैं लोगों के कि हाँ भाई लुक्स बहुत अच्छी है, कलर बहुत प्यारा आपकी बाइक का। उसके अलावा देख सकते हो अभी हमने इतना मॉडिफिकेशन किया है यार, बबल वाइजर लगाया हुआ है, नॉर्मली इतना एंड बार है, ये स्ट्रिप्स वगैरह डलवा रखी हैं ठीक है। बहुत सारे लोगों का अच्छा जो एक मेन क्वेश्चन रहता है ना, अब उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको पहले क्लियर कर देता हूँ मैं आप सबको। भाई एक्रापोविक लगवाया तो इसके अंदर आपको डीबी किलर भी मिलता है, जो कि आपकी साउंड को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो आप कह रहे हो कि भाई आप डीबी किलर लगा लिया करो जब आप जलंधर मेन सिटी में जा रहे हो, तो मैं आपको यार सबसे पहले ना उसका बता देता हूँ कि डीबी किलर का क्या सीन है। अब आप एक बारी इसकी ना ऐसे आप साउंड सुनो, अच्छा एक बारी आपने भी इसकी ऐसे आवाज सुन ली ना स्टॉक में, मतलब जो स्टॉक नहीं मतलब इसके अंदर विदाउट डीबी किलर। अब आप एक बार इसकी ना साउंड विद डीबी किलर भी आपको सुना देता हूँ कि कितनी साउंड रिड्यूस होती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है या आप किसी भी शॉप वाले से लेने जाते हैं, तो वो शॉप वाला जो भी है वो आपको कितना करता है कि आप डीबी किलर लगा लो इसकी साउंड बिल्कुल कम हो जाएगी। आपने इसके अलावा ना आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियोज देख लेंगे लोगों के रिव्यू की कि भाई हमने डीबी किलर लगा लिया साउंड बिल्कुल कम होगी, तो ठीक है देखते हैं ये बात को प्रूफ करते हैं कितना इसके अंदर दम है कि डीबी किलर लगा के साउंड रिड्यूस होती है। तो ठीक है करते हैं डीबी किलर इंस्टॉल। तो गाइस ये रहा हमारे एक्रापोविक का डीबी किलर, तो देखते हैं अच्छा इससे कितनी आवाज़ रिड्यूस होती है जो कि शॉपकीपर क्लेम करता है। और फिलहाल एक्रापोविक भी ऐसा क्लेम कर रही है, एक्रापोविक वैसे ओरिजिनल तो नहीं है बट फिर भी ऐसा क्लेम करता है कि हाँ इससे बहुत ज़्यादा ना आवाज़ रिड्यूस हो जाती है। तो ठीक है पहले इंस्टॉल करते हैं। तो देखो डीबी किलर इंस्टॉल कर दिया है, तो देखते हैं अच्छा आवाज़ क्या सच में रिड्यूस हुई है। तो ठीक है एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। और आपको ना मैं शायद
वीडियो के अंदर साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दूंगा कि कितनी आवाज है, आप खुद आप उसे जज कर सकते हैं। तो होप आपने जज कर लिया होगा कि कितनी आवाज रिड्यूस हुई है। डीबी किलर है ना, जो देखो आवाज में, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं करता, करता है रिड्यूस बट एक लिमिट तक। अगर आपकी बाइक समझ लो अगर 3000 आरपीएम है, 3000-4000 आरपीएम के बीच में है, माइनर सी आपको ना कहीं आवाज़ रिड्यूस देखने को मिलेगी, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी कहीं पे क्रैकल छोड़ रही है ना, अगर बाइक हल्का सा भी फायर शॉट मारती है, मतलब लाइक एयर का प्रेशर को एकदम स्टॉक करके आप छोड़ती हो, तो देखो एक वो जो क्रैक सा बचता है ना, वो तो भाई इसके अंदर भी क्रैक आना ही आना है। तो मतलब अगर आपने डीबी किलर लगाया है ना, मैं सीधी बात आपको बता दूँ, तब भी आपका चलान कटने ही वाला है। तो फिलहाल देखो मैं तो इसको आपको नहीं कहूँगा कि आप लगाओ। और इसके साथ आपको मैंने बाइक के देखो डिसएडवांटेजेस भी गिनाई दिए कि कितनी बाइक मेरी हार्म हुई है एग्जॉस्ट की वजह से। तो बस ठीक है, फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेन मेरा मोटिव यही था बताना कि बाइक ना एग्जॉस्ट से सिर्फ हार्म करती है, तो फालतू में आप किसी लोगों के पीछे लग के, किसी के पीछे लग के, या फिर आप कोई YouTube वीडियो देख ली कि भाई इस पे ऐसा कुछ नहीं है, एग्जॉस्ट लगाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज़ ही बढ़ती है या ये वो, तो ठीक है। और इसकी आवाज़ ना आप भी एक सिर्फ कुछ टाइम तक ही आपको अच्छी लगने वाली है एग्जॉस्ट की आवाज़। जैसा मैं था तो मुझे थोड़ा सा चाह था, मतलब थोड़ा अंदर से था मुझको कि यार लगा लेते हैं भाई एक बार तो लगाना है स्पोर्ट्स बाइक पर, क्योंकि मेरे पास KTM RC 200 थी, तो मैंने उसमें भी कभी इंस्टॉल नहीं किया, बट उसके अंदर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने कहा यार एक बार तो देखो लगाना ही है, फिर मैंने एक बार इंस्टॉल कर ही लिया। बट थोड़ा टाइम सुनने बहुत अच्छी लगती है, बट अगर इसी को अगर आप कहीं इन मार्केट चला दो ना, लोगों के वही रिएक्शन होते कि भाई मतलब छपरी वाला, क्योंकि यार इतनी आवाज़ हर किसी को सुनने में नहीं अच्छी लगती। कुछ पर्सन होंगे जिनको बहुत अच्छी लगेगी, बट मोस्टली 100 में से 80-90% को पीपल्स को ये आवाज़ नहीं अच्छी लगती। तो देखो मुझे नहीं लगता कि यार इंस्टॉल करना चाहिए, और मैं खुद इसको निकालने वाला, क्योंकि मैं ना खुद जलंधर के बाहर कई बार, मतलब मेरा ऑलमोस्ट यार वीक में दो बार या एक बार तो मेरा मतलब जलंधर से बाहर जाना ही होता है, तो मेरे को बहुत सोच के लेके जाना पड़ता है, और मुझे पुलिस का अगर कहीं पर आगे नाका है ना, तो मुझे बच बच के ही जाना पड़ता है। तो इसलिए भाई मैं तो इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ फिलहाल। और अगर आपको अच्छा लगा हो इसमें कि हाँ भाई इसकी आवाज़ अच्छी है ना, आप अभी इस टाइम पे अनइंस्टॉल करो, ठीक है, आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, बट मैं इसको अनइंस्टॉल करने ही वाला हूँ। तो ठीक है, इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट, अब ये वीडियो तो नहीं, अब नेक्स्ट जो भी आएगा व्लॉग ही आने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने इसके अंदर बाइक के अंदर भी 2-3 काम और है जो करवाने हैं, तो वो भी आपको मेरे इन अगले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।